1992 के सोर्चलेना ओलंपिक खेल में फाइनल रेस में डेरिक एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके बनाए अब तक के रिकॉर्ड और फिटनेस के कारण उसके पूरे देश को ये भरोसा था कि वह 400 मीटर की फाइनल रेस में गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। डेरिक ने रेस शुरू होते ही एक अच्छी बढ़त बना ली, लेकिन जैसे ही वो 250 मीटर तक पहुंचा अचानक डेरिक को एक कट की आवाज महसूस हुई और बहुत दर्द होने के बाद वह वहीं बैठ गया। वह आवाज उसके घुटने के पीछे की मांसपेशी फटने की आवाज थी, लेकिन डेरिक को ऐसे अन्य दर्द के साथ लड़खड़ाते हुए फिर से दौड़ने लगता है और रेस को फिनिश करने का फैसला करता है। तभी उसके पिता भीड़ से निकालकर उसके पास आ जाते हैं और उसे समझाते हैं, लेकिन ना मानने पर वो कहते हैं ठीक है हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। डेरिक अपने पिता के साथ वो रेस पूरी करता है और अगले 10 मिनट तक पूरा स्टेडियम 65,000 दर्शकों की स्टैंडिंग ओवेशन और उनकी तालियों से गूंजता रहता है। डेरिक यह रेस तो नहीं जीत पाया, लेकिन लाखों दिलों को जरूर जीत गया। ऐसे खिलाड़ी के लिए सब्सक्राइब लाइक तो बनता है।